कांग्रेस हाईकमान ने भोपाल लोकसभा सीट को जिताने की उप जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी है। बुधवार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सियासी जमावट को दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे उनके बड़े भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है कि भोपाल और राजगढ़ दोनों लोकसभा सीट जीतेंगे। लक्ष्मण सिंह ने सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद से इनकार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह को रणनीति के तहत प्रत्याशी बनाया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह के मैदान में होने के कारण भोपाल हॉट सीट बन गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए सभी सीटें अहम हैं। भोपाल से निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राजगढ़ से भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक सोची समझी पार्टी की रणनीति है और कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें हैं, 15 सीट से ऊपर हम सीट लाएंगे। सवाल भोपाल लोकसभा का है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता हमारे यहाँ पे 2 मंत्री हैं, 1 विधायक हैं, बाकी भी जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी थे, जो हमारे पूर्व विधायक गण हैं, साथ में जो हमारे पार्षद गण हैं, पूर्व पार्षद गण हैं, जिला पंचायत का क्षेत्र भी आता है, वहाँ के भी जो जनपद प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी लोग मिलकर पूरी रणनीति बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 12 मई तक हम लगातार जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें।